सोमा की दो सौतेली बेटियां थीं, आशा और निशा। सोमा को अपनी दोनों सौतेली बेटियां फूटी आंख नहीं सुहाती थीं। एक दिन आशा और निशा स्कूल के लिए चली तो सोमा आग बबूला होते हुए बोली, क्यों रे मुफ्तखोर पिल्लियों, स्कूल जाकर कौन सा पहाड़ तोड़ना है तुमको? पहले घर का काम करो फिर जाना, समझी? घर का सारा काम करके ही तो हम स्कूल जा रहे हैं माँ। माँ, मुझे माँ मत कहो, चलो पहले खाना बनाओ, फिर उसके बाद जहाँ जाकर मरना है वहाँ मरो। आशा और निशा के साथ हर रोज ही ऐसा ड्रामा होता था। घर का सारा काम करते करते उन्हें स्कूल के लिए बहुत देर हो जाती है और फिर स्कूल जाते ही उन्हें टीचर की डांट खानी पड़ती है। तुम दोनों बहनें हर रोज लेट आती हो, स्कूल को धर्मशाला समझ के रखा है क्या? सोमा मानो उनकी राह ही देख रही थी, उनके घर में घुसते ही फिर से आदेश सुनाने लगी। अब जल्दी से कपड़े बदलो और सारे घर में झाड़ू पोछा लगा के बर्तन धुल के रखो। माँ, पहले थोड़ा खाना खाने दो ना, बहुत भूख लगी है। यह सुनकर सोमा उन पर गुस्सा हो जाती है और निशा के गाल पर तमाचा मारते हुए कहती है, फ्रीका खाती है और लौट जमाती है, क्यों रे खाना तेरी बाप की कमाई से आता है क्या? यह कहकर सोमा बड़बड़ाते हुए बाहर चली जाती है और उसके जाने के बाद आशा से कहती है कि देखो ना दीदी, हमारी सौतेली माँ हम पे कैसे जुर्म उठाती है, भगवान इनकी जान क्यों नहीं ले लेता? छोटी, वह जैसी भी है हमारी माँ है, कुछ भी हो हमें पाल तो रही है ना, अब चल चलकर काम निपटाते हैं। एक दिन सौतेला भाई मोहन उन्हें परेशान करना शुरू कर देता है। आशा मोहन को बहुत समझाती है मगर वह परेशान करने से बाज नहीं आता। इसी कारण आशा को उस पर गुस्सा आ जाता है और वह उसे एक तमाचा जड़ देती है। तमाचा खाते ही मोहन जोर जोर से चीखने लगता है। उसका रोना सुनकर सोमा भागते हुए वहाँ आती है। यूरे मेरे नाल, तू क्यों रो रहा है बेटा? मुझे आशा जी ने तमाचा मारा। इस कर्म देने की ये मजाल, आज तो मैं इसकी हड्डी पसली एक कर दूंगी। मेरे लाल को मारने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तेरी जान नहीं ले लूंगी। माँ, माँ आशा दीदी को मत मारो ना, इसमें उनका क्या कसूर था? मोहन ही हमें परेशान कर रहा था, इसीलिए दीदी को गुस्सा आ गया। तो तू अब इसकी वकील बन के आई है? खैर तुझे मैं बताती हूँ, आज तुझे इतना मारूंगी कि तू कभी जबान खोलने से भी पहले सोचेगी। नहीं, मुझे मत मारो माँ। आज से तुम्हें अगले दो दिनों तक बिल्कुल खाना नहीं मिलेगा और तुम दोनों का स्कूल जाना भी बंद। नहीं माँ, ऐसा मत करना माँ, चाहो तो आप हमें खाना मत देना पर स्कूल जाने से मना मत करना। चुप कर वरना तेरी जबान खींच लूंगी। करमजनी, अब आगी कहीं थी? बेचारी आशा और निशा दो दिनों तक भूख से तड़पती रहती हैं और आशा बार बार माफी मांगती है तो वह उन्हें स्कूल जाने की अनुमति दे देती है। समय बीतता जाता है और आशा, निशा और मोहन बड़े हो जाते हैं। आशा और निशा तो पढ़ाई लिखाई में खूब अच्छी निकलती हैं, मगर माँ का लाडला बेटा मोहन पढ़ाई से डरकर दूर भागता रहता है। पढ़ाई में उसका जरा भी मन नहीं लगता, मगर सोमा उसे लेकर न जाने क्या क्या सपने देखती रहती है। मोहन बेटा, तुझे बहुत बड़ा अफसर बनना है तो इसलिए तो खूब मन लगा कर पढ़ाई कर, समझा? अरे माँ, तुम चिंता मत करो, देखना एक दिन मैं भी जरूर अफसर बन के दिखाऊंगा। मैं अपने पढ़ाई में सबसे आगे निकल जाऊंगा माँ। शाबाश मेरे लाल, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आशा और निशा बड़ी ही समझदार और होनहार लड़कियाँ थीं। कॉलेज से लौटने पर निशा घर का कामकाज संभालती तो आशा एक शोरूम में पार्ट टाइम जॉब करती। इससे उन दोनों बहनों की पढ़ाई लिखाई का खर्च आसानी से चल पाता था। दूसरी ओर मोहन जब से कॉलेज जाने लगा था उसके शौक बढ़ते ही जा रहे थे। एक दिन वह सोमा से कहता है, मुझे नया फोन चाहिए माँ, मेरे सब दोस्तों के पास महंगे महंगे फोन है, इसीलिए मुझे भी वैसा ही फोन खरीदना है। कुछ दिन पहले ही तो तुझे एक नया फोन दिलवाया था, तो अब फिर क्यों नया फोन चाहिए? यह कहकर सोमा मोहन को फोन दिलाने से मना कर देती है, मगर फिर मन ही मन सोचती है, मेरा एक ही तो लाल है तो भला मैं इसके शौक पूरे करने में कंजूसी क्यों करूं? इसकी इच्छा तो मैं सिर पर कर्ज उठा कर भी पूरी करूंगी। यही सोचकर सोमा आशा को बुलाती है। आशा, आशा इधर आ जरा। सोमा के आवाज लगाने पर आशा अपनी पढ़ाई छोड़कर वहाँ आती है। आशा,
तुम्हें कल सैलरी मिली थी ना, मोहन को कुछ पैसे चाहिए तो तुम इसे पैसे दे दो, इसे एक नया फोन खरीदना है। पर वे पैसे मैं इसे कैसे दे सकती हूँ माँ, वो तो हम दोनों बहनों की पढ़ाई के लिए है। वाह, निकली ना सौतेली बहन, अगर मोहन तेरा सगा भाई होता तो क्या तू उसे पैसे देने से मना करती? सोमा की यह बात सुनकर आशा कुछ नहीं बोलती, वह चुपचाप पैसे मोहन के हाथों में थमा देती है। कुछ समय बीत जाता है और धीरे धीरे मोहन के शौक बढ़ते जाते हैं और वह अपने अमीर दोस्तों के साथ घूमने लगता है, उनके साथ पीने खाने और पार्टियां करने में पैसा उड़ाने लगता है। कुछ दिन यही चलता है और सोमा पर कर्ज बढ़ता जाता है। एक दिन मोहन सोमा से कहता है, माँ मुझे 20,000 रुपए चाहिए, मुझे अपने अमीर दोस्तों के साथ हिल स्टेशन घूमने जाना है। यह सुनकर सोमा मोहन को डांटते हुए कहती है, क्या किसी लॉर्ड साहब का बेटा है जो तुझे पहाड़ों में घूमने जाना है? अब मैं तुझे एक पैसा नहीं दूंगी। बस मुझे पैसे चाहिए, अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। कल छोड़ता मगर आज छोड़, मगर तुझे पैसे नहीं मिलेंगे। यह सुनकर मोहन बाहर जाने लगता है और जाते जाते सोमा को धक्का मारते हुए कहता है, तू माँ नहीं डायन है, डायन चल हट परे। मोहन जैसे ही सोमा को धक्का देता है वह फर्श पर जा गिरती है और उसे दिल का दौरा पड़ जाता है। तभी आशा और निशा उसे अस्पताल लेकर जाती हैं। आप इन्हें समय पर अस्पताल लेकर न आती तो इनका मरना तय था, पर अब इनकी जान को कोई खतरा नहीं है, आप मिल सकते हैं। सोमा एक सप्ताह अस्पताल में ही रहती है। इस बीच मोहन उसको देखने के लिए एक भी दिन नहीं आता। अस्पताल और दवाइयों का सारा खर्च आशा और निशा ही उठाती हैं। आशा उसका इलाज कराने के लिए शोरूम के मालिक से कर्ज भी लेती है। हफ्ते भर बाद सोमा घर पर लौट आती है। बेटी आशा मुझे माफ कर दे, तुम दोनों को सौतेली समझकर मैंने बहुत बड़ी भूल की। पर हमने कभी आपको सौतेली माँ समझा ही नहीं। अब इन बातों को छोड़ो माँ, उनमें क्या ही रखा है। उस दिन के बाद सोमा पूरी तरह से बदल जाती है और वह मोहन की चिंता छोड़ आशा और निशा के साथ घुल मिल कर रहने लगती है। वे भी उसका पूरा ख्याल रखती है। माँ लो चाय पी लो। माँ हम दोनों आपकी बेटियाँ हैं, हमारे होते हुए आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। भगवान मेरी दोनों बेटियों को हमेशा सुखी रखे। एक रात सोमा की अचानक नींद खुलती है तो वह देखती है कि मोहन अलमारी से गहने चुरा रहा है। हाय राम तू, अरे निकम्मी ये क्या कर रहा है तू, चोर कहेगा अब इतना गिर गया तू, माँ के गहने चुराएगा। तो क्या हुआ रे बुढ़िया, तेरे मरने के बाद ये गहने तो मेरे ही हो गए ना। यह सुनकर अब सोमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। लगता है जो शिक्षा तुझे बचपन में नहीं दी अब देनी पड़ेगी। यह कहकर सोमा पुलिस थाने में फोन लगा देती है और पुलिस मोहन को अरेस्ट कर जेल भेज देती है। कुछ दिन बाद मोहन जेल से बाहर आता है तो वह सुधर चुका होता है और वो अपनी माँ और बहनों से माफी मांगता है और वे उसे माफ कर देती हैं। उसके बाद वह सब मिलजुल कर रहने लगते हैं। कुछ लोग गाड़ी में बैठकर रोड से कहीं जा रहे थे, शायद वो किसी शादी से आ रहे थे। रात का समय हो चुका था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी कि तभी सीमा अपने पति से कहती है, देखा था आज आपने उस रीता को, उसने कैसे कपड़े पहन रखे थे, जरा सी भी शर्म हया नहीं है उसको। मुझे तो इन लोगों के माँ बाप के बारे में सोच कर ही तरस आता है, कैसे परवरिश की है उन्होंने अपनी बेटी की। क्यों क्या हुआ? अरे उस लड़की रीता ने आज तो हद ही कर दी, देखा कैसे टाइट टाइट कपड़े पहन कर आई थी और उसकी वो जीन्स, हाय राम इतनी टाइट थी कि क्या बताऊं। हाँ सीमा बहू तू सही कह रही है, इन लड़कियों के ऐसे कपड़े पहनने से ही हमारे देश में ऐसे बुरे काम होते हैं। आप बताओ
सूट साड़ी पहनकर भी तो वो शादी में आ सकती थी ना, पर वो क्या पहनकर आई, जीन्स और इतना ऊंचा टॉप। राम राम राम, शादी में सारे लड़के उसे ही देखे जा रहे थे। मेरा बस चले ना तो मैं ऐसे लड़कियों को ऐसे कपड़े पहनने पर जान से मार दूं। हाँ माँ जी, ऐसा तो करना ही चाहिए, तभी ये लड़कियाँ अपनी औकात में रहेंगी। तभी अचानक से उनकी गाड़ी एक सुनसान खंडर के पास आकर रुक जाती है। अरे इसे क्या हुआ, अभी तक तो ये सही चल रही थी। आप दोनों यहीं बैठो, मैं अभी देख कर आता हूँ। राकेश गाड़ी देखता है, तभी एक लड़की जिसने फटी हुई पैंट और टॉप पहना हुआ था, खून से लथपथ डरावनी सी शक्ल लिए चुड़ैल उन दोनों सासू बहू के सामने आ जाती है और सीमा से कहती है, क्या कसूर था मेरा जो तुमने मुझे मारा, सिर्फ इसीलिए कि मैंने जींस पहनी थी। बोलो बोलो राकेश, आप कहाँ हो? मैं तुम दोनों के अलावा किसी को दिखाई नहीं दूंगी, और अब तुम दोनों भी इस धरती पर और नहीं रहोगी। तुम लोगों ने मेरी जान ली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो उन दोनों को गाड़ी से खींचते हुए निकालती है और जोर जोर से उनका सर पेड़ पर मार मार कर उन्हें मार ही डालती है। किसी को नहीं छोड़ूंगी, जिन लोगों की वजह से आज मेरी ये हालत हुई है उनमें से एक को भी नहीं छोड़ूंगी। उनको मारने के बाद वो वहाँ लिख जाती है, पेंट हारने वाली चुड़ैल। अगली सुबह, अरे ये क्या हो गया, लगता है ये उसी चुड़ैल का काम है, वो ना जाने और कितने लोगों को ऐसे ही मार डालेगी। वो किसी को नहीं छोड़ेगी, जिसने उसके साथ बलात्कार किया वो उनमें से किसी को नहीं छोड़ेगी, जिसने उसे मारा है उनमें से वो किसी एक को भी नहीं छोड़ेगी। लगता है इन दोनों औरतों की सोच भी रूढ़िवादी होगी, वरना और भी तो लोग यहाँ से जाते हैं, उन्हें तो ये चुड़ैल कुछ नहीं कहती। ये पेट फाड़ने वाली चुड़ैल का बदला है, उस लड़की का बदला जिसे कई लोगों ने बड़ी बेरहमी से मार डाला और उसका बलात्कार किया। आखिर क्या कसूर था उस बच्ची का, सिर्फ यही कि वो जीन्स पहनती थी और ऐसे रूढ़िवादी लोगों के डराने से भी वो नहीं डरी और जीन्स पहनना नहीं छोड़ा। ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं। कुछ औरतें उसी खंडर से पैदल गुजर रही थी, वो आपस में कुछ बातें कर रही थी। अरे ना जाने क्या हो गया है आजकल की लड़कियों को, उन्हें कुछ काम की बात समझाओ तो मानते ही नहीं। इन जैसी लड़कियों की वजह से ही लड़के क्राइम कर बैठते हैं और ये रेप होने लगते हैं, और क्या, और इस कारण हमारी सभ्यता कितनी पीछे चली गई है। भला ये भी कोई पहनावा हुआ, पहले तो ये लड़कियाँ खुद गलती करती हैं और जब इनके साथ कुछ गलत हो जाए तो औरों पर दोष मढ़ने लगती हैं। अरे बहन, लड़की की इज्जत तो अपने हाथों में होती है, या तो वो अच्छे कपड़े पहनकर बचा ले या वेस्टर्न कपड़े पहनकर लुटवा ले। अरे मेरी लड़की भी ऐसा करती ना तो भगवान कसम उसे जिंदा जला देती। बताओ सही कह रही हूँ ना मैं बहन? हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। तभी एक डरावनी सी आवाज़ सुनाई देती है, लड़की को क्या पहनना है और क्या नहीं ये तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे औरतों की वजह से ही कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होती है, पर अब और नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, एक एक को मार डालूंगी। कौन है यहाँ? तेरी मौत, तुम सबकी मौत। देखो हिम्मत है तो सामने आओ। मुझे देखने के लिए इतनी बेताब हो? ये लो। वो चुड़ैल उन सभी के सामने आती है जिसे देखकर वो सभी औरतें डर जाती हैं। तुम जैसी छोटी सोच वालों को जीने का कोई हक नहीं, तुम लोग इस समाज में खुद को सभ्यता और पहनावे के दायरे में रखकर दूसरी मासूम लड़कियों को यातना देती हो। तुम जैसे लोगों की वजह से हम जैसी लड़कियां खुलकर जी नहीं पाती और आखिर में मेरी तरह मार दी जाती हैं। अब तुम भी नहीं बचोगे, एक एक मरोगे। वो चुड़ैल उन सभी औरतों के पैर और हाथ में रस्सी बांधकर खंडर में बने कुएं में ले जाकर डाल देती है। किसी को नहीं छोड़ूंगी, एक एक को मार डालूंगी। उन्हें मारने के बाद वो फिर से लिख जाती है, पैंट फाड़ने वाली चुड़ैल। इन सभी औरतों की लाशें मिलने से पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। ये खबर बड़े बड़े मीडिया हाउसेस तक पहुंच जाती है। तभी एक दृष्टि नाम की लड़की इस न्यूज को कवर करने का सोचती है और गांव में पहुंच जाती है। ये खबर कोई आम नहीं है, ये बहुत खास है, ये किसी न किसी की बदले की आग है और मुझे इसके पीछे की सच्चाई का पता तो लगाना ही होगा।
दृष्टि सभी गांव वालों से इसके बारे में पूछती है और रात को खुद उस खंडर के पास जाती है और उस चुड़ैल को आवाज लगाती है। देखो सुमन, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत था, पर क्या तुम जो अब लोगों के साथ कर रही हो वो सही है? वो चुड़ैल उसके सामने आती है। तुम कौन हो और तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? क्योंकि मैंने गांव वालों से तुम्हारे बारे में सब पूछा, पर तुम्हारी कहानी नहीं जानती। मेरी कहानी? मैं 18 साल की लड़की थी, मुझे जीन्स पहनना पसंद था, पर मेरे गांव में ही कुछ लोग थे जो खुद को धर्म और सभ्यता का रखवाला मानते थे। उन्होंने मुझे जीन्स पहनने से मना किया, पर मैंने उनकी नहीं मानी, जिनसे उनकी सोच को झटका लगा। और एक रात जब मैं कॉलेज से वापस आ रही थी कि तभी टाइट जीन्स में अपने पुष्पा के पास आ जा। तुम्हारे घर में कोई माँ बहन नहीं है क्या? चल तुझे बताते हैं। फिर वो लफंगे उसे खंडर के पास ले जाते हैं और रेप करने के बाद मार देते हैं। मैंने बस तभी से ही ये तय कर लिया कि ऐसी छोटी सोच रखने वालों में से किसी को नहीं छोड़ूंगी, एक एक को मार डालूंगी। उन कमीनों को तो मैंने कब का मार दिया, पर अब ऐसी सोच वाली लोगों को भी मैं छोड़ूंगी नहीं। सुमन, तुम जो कर रही हो वो सही नहीं है। ऐसे तो जो उन लोगों ने तुम्हारे साथ किया तुम वही उन लोगों के साथ कर रही हो, तो फिर फर्क क्या रह जाएगा तुम और उन लोगों के बीच? देखो, मैं एक रिपोर्टर हूँ और मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी और ऐसे रूढ़िवादी सोच रखने वाले लोगों को जेल के पीछे पहुँचा कर रहूंगी। तुम मेरा भरोसा कर सकती हो। तुम सच कह रही हो? हाँ सुमन, मैं सच कह रही हूँ। दृष्टि, तुम मेरी कहानी सबको सुनाना ताकि मेरी जैसी और कोई भी लड़की ऐसी रूढ़िवादी लोगों की नई शिकार ना बने। सुमन वहाँ से चली जाती है। दृष्टि उसकी कहानी सब लोगों के सामने लाती है और सुमन को इंसाफ दिलाती है और ऐसे लोगों को ये संदेश देती है कि लड़की किसी की मोहताज नहीं, उसे जो पहनना है वो पहन सकती है और उसके पहनावे पर उंगली उठाने का हक किसी को नहीं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।